बैक, आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविशा खान। और आज हमारा जो दिन चल रहा है ना, हमने आज का दिन क्रिकेट को डेडिकेट कर दिया है। बहुत ही जबरदस्त एक के बाद एक पर्सनालिटी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फोन पे भी हमने जरिए से बात की है थोड़ी देर पहले। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बांग्लादेशी टीम के मैनेजर अमीनुल इस्लाम साहब, और सबसे मोस्ट मैं कहना चाहूंगी एक्सपीरियंस बंदा इस वक्त हमारे साथ बैठा हुआ है क्रिकेट टीम का। बहुत ही इनको एक तवील अरसा हो चुका है यहाँ पे, 33 ईयर्स से यहाँ दोहा में मौजूद है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले रहे हैं, बैडमिंटन के चैंपियन रह चुके हैं जो मुझे भी पता चला। तो बहुत ही जबरदस्त बातचीत अभी होने वाली है अमीनुल इस्लाम साहब से, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो पता है मैच को लेके क्या एक्साइटमेंट है? देखिए, ये मैच आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि फरवरी के बाद कोई मैच नहीं हुआ। तो जब कतर क्रिकेट एसोसिएशन, वी थैंक्स टू आवर प्रेसिडेंट, थैंक्स टू 107 फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर द स्पॉन्सर दिस टाइम। तो 2000 फरवरी से हमारी कोई क्रिकेट नहीं हो रहा है इधर। हम तो काफी टाइम से फिर भी थ्री बहुत तो लोग स्ट्रीट में क्रिकेट खेल रहा है, बट प्रॉपर क्रिकेट जो बोलते हैं ना हार्ड बॉल में, वो क्रिकेट नहीं हो रहा था। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी, तो वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग बांग्लादेश टीम्स, होप विल डू बेटर एवरीवन। आई सो सम ऑफ द कोलिक ऑफ माइन, बट दैट मींस अदर टीम ओपोनेंट टीम, दे सेड वी आर इन डार्क हॉर्स, वी आवर विल गिव आवर बेस्ट इंशाल्लाह। जबरदस्त, और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम बड़े जबरदस्त प्लेयर्स हैं आपके, बड़े जबरदस्त ओपनर्स, कमाल की चल रही है इंटरनेशनल टीम जो आपकी है। तो डेफिनेटली हमारी यही विशेष भी है और एक्सपेक्ट भी हम यही करें कि यहाँ पे भी वो कांटे वाला मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। इट इज इन T10, T10 में 60 बॉल्स का गेम है, लीगल बॉल 60 बॉल्स। तो इफ वी 60 बॉल्स, इफ यू टेक ए लीगल बॉल 60 बॉल्स फ्रॉम फर्स्ट बॉल बैट्समैन गोइंग टू हिट, दैट मींस दे आर गोइंग फॉर ऑल आउट। तो वी होप आवर टीम ऑल्सो विल डू बेटर, एंड सम ऑफ द आवर यंग बॉय, वी आर द यंगेस्ट टीम हेयर। व्हाट आई मीन, माई मीन्स यंगेस्ट टीम मीन्स our most of the average age is a boys is like 23 to 25 between average age out of 15 or 18 players. Okay, so we will do best. Haan. We'll do best inshallah. To is waqt team mein kaun hai? Team mein dekhe balanced team hai, always we have a hair like our team is playing for, they are not in premier division, even though no one is in the national team also. Our team is basically they are playing in A, B, C division. So out of this 60-70 player was there, top of that we did it almost 3 weeks practice on them after long times. Out of this we taken 18 players, which is we are going to present 15 players on the ground, and best 11, that means they will give their best. So we have a, like we selected, like what he said, Zohir also said, like it is a T10's game, that means 2-3 player will play. I agree with him, it will be a 2-3 players only. One player also can go with the 60 balls. So we are our balanced team, inshallah we'll do better. So kya is strength, bowling, batting? Our strength is basically, you can say the both side balance, but we tried level best on the batting. Our main strength on the batting. Okay, great. So do teen jo players jo opening karne wale hain, unke kya naam hai? Ek ka naam hai T2, pet name. Second one is in Shubu. And then middle order Jiku, Rifat, and then Enamul. Those are the main batsmen. Frontline batsmen. Great. Zabardast. And Liton also, there is one guy. So these are Bengali? All Bangladeshi. Great. They are Bangladeshi. Most of them is, you know, the lower level they are working. Very hardly to get them on the ground. I do my level best to, you know, the youngster. Instead of go around roaming on the market and they said go play any type of sports, badminton, cricket, football, or either some player playing tennis ball, cricket also. So that is my priority, to put them on the all is in one club, one level, yani, in sports. To aspire them on the sports. Great. अच्छा, खुद आप बैडमिंटन चैंपियन यहाँ पे रह चुके हैं और इतने अरसे से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, तो ये सब कुछ ये पैशन है क्या? क्रिकेट ही खेलते हैं शुरू से या फिर सब गेम्स में? पहले से तो क्रिकेट ही खेलता रहा, इवन तो मिडिल ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंड इन समर, देयर इज नो क्रिकेट इन कतर समर दैट टाइम, बिकॉज इट इज इन टू हॉट ह्यूमिडिटी, इट इज इन अबव 50. तो दैट टाइम वन ऑफ माय फ्रेंड मींस कोलिक, ही यूज्ड टू प्ले विद अस, I can mention his name also. He is very good friend of mine, Jahangir. And he has to tell me, I mean, he is from Sialkot. He told to, I mean, go. This is the time to, we have to keep fit ourselves. So there is a badminton federation, you know that one, which is behind the Doha College. I used to go there
lot of badminton player was there. So I used to play in college level also, school level also. Not in that level, what I mean, in international level. I used to practice with them and these. Then I played 1-2 matches also on that time. I was in one I was champion and 3 times was runners-up, Qatar Open. Great. Wow. Zabardast. तो ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी एक क्रिकेट प्लेयर की बात करें हम कि वो दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उसमें भी इंगेज रहे. देखिए मेरा तो मानना ये है एज लॉन्ग एज यू आर फिट यू कैन प्ले एनी टाइप्स ऑफ गेम्स. व्हाट आई मीन लाइक व्हेन एवर यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट लाइक समर यू आर नॉट प्लेइंग बट कीप यूर सेल्फ फिट. इट इज नॉट लाइक दैट ओनली यू गो फॉर डू एक्सरसाइज जॉगिंग. इट इज नॉट एनफ for play some other types of game, you get the experience, you will love it one by one. Like I used to play cricket, middle that I used to play badminton, even though I used to play little bit football also. Okay, great. So I am not in great all this, but top of that, all I used to play. All rounder hain aap. Great, zabardast. Matlab sari sport jitni bhi hain unme sab mein participate karne aaye. Yes, great. Yes. Acha, is waqt team mein jo aapki responsibility hai as a manager, तो ये किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती हैं, कितना पुशअप करना पड़ता है प्लेयर्स को. जैसे आपने बताया कि आपकी टीम में सारे जो यंगेस्ट टीम है ये जो इस वक्त खेल रही है 23 to 25, तो इसमें एक तो जो बेनिफिट होता है वो ये कि इस एज के जो लड़के होते हैं वो बहुत फिट होते हैं, बहुत ज्यादा वो पैशनेट होते हैं गेम को लेकर. लेकिन उसके साथ ही एक जो चीज होती है वो बहुत ज्यादा एग्रेशन भी होता है उनके अंदर, तो उसमें थोड़ा है थोड़ी बहुत एग्रेशन एक दो प्लेयर में है. देखिए बेसिकली वी आर इन especially our country, you know, we are very down to earth people. Normally it is happening all the countries, but basically I saw whatever people meet, we are very down to earth. So my player, they came to here for job, earn the money for their family. We are in lower class, you cannot say middle class, it is in lower class family they came. Their first priority, any of the player, even though I myself was to give them advice, first priority for your family. Top of that, fashion cricket, it is okay, fine. Whenever, even though my player is still, when we did 3 weeks practice, maybe one come, two didn't come. Because of why? He has a job. He cannot leave the job. He leave the job, he will not get salary for that day. Exactly. Then also, you know, lot of people, they want to come for the cricket. You know, the cricket now, it is in everywhere, grow up. In our country also grow up. It was not there 10 years before. Now, we have a star player, you know, Shakib Al Hasan, Tamim. Exactly, right. So, they aspire from them. And Bangladesh expatriate team, it is not a Bangladesh national team, but it is in local Bangladeshi team. You can say local Bangladesh national team. So, that means everyone is proud to play for his country or her country. That is also in their mind. Exactly. So I hopeful, I pray for them. Pray to, actually, thank you to our president Mr. Ziha Malkawari. He gave us opportunity. Next 107 always there. That means this is the first time they are sponsoring us. नहीं, हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है. इतना बड़ा इवेंट और वो हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है. थैंक यू. राइट, अच्छा, तो अभी जैसे आपने क्रिकेट प्लेयर्स का नाम लिया बांग्लादेश के, तो अगर आपकी टीम में मैं पूछूं आपसे कि आपको कोई लगता है उसकी किसी की झलक नजर आती है, कोई है यहाँ पे टू प्ले इन हायर लेवल? मतलब लेवल तो नहीं, कुछ बैटिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल किसी से मिलता जुलता? लिटिल वन बॉय इज देयर, आई सॉ हिज नेम इज जुनैद. आई सॉ ही इज प्लेइंग ए लिटिल स्ट्रेट बैट. लॉट ऑफ बांग्लादेशी प्लेयर, 1-2 प्लेयर यूज्ड टू प्ले लाइक अशराफुल लॉन्ग टाइम, आमिनुल इस्लाम बुलबुल, मे बी आई डोंट नो, यू डोंट नो देयर नेम ऑल्सो. ही इज इन आवर अभिषेक टेस्ट प्लेयर, मेड ए सेंचुरी. ओके, तो ही इज प्लेइंग लिटिल सॉर्ट ऑफ हिज स्टाइल आई सॉ. तो वी हैव ए होप, यंग बॉय 22 ईयर ओल्ड, ही कुड प्ले मेबी फॉर कतर नेशनल टीम ऑल्सो, आई होप. सही. अच्छा, तो स्कोप क्या देख रहे हैं अभी क्रिकेट का कतर में, क्या स्कोप है? देखो, अपॉर्चुनिटी तो है, नो डाउट. इट इज देयर इज अपॉर्चुनिटी, इवन दो आवर क्रिकेट नाउ वट आवर मैनेजमेंट दे डू देयर बेस्ट टू गिव अस ए फैसिलिटी, गिव अस आवर अपॉर्चुनिटी टू द प्लेयर्स. तो आई होप इंशाल्लाह विल गो फर्दर, लिटिल लिटिल, बट इट विल गो फर्दर इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो जितने प्लेयर्स अभी आपके साथ मौजूद हैं वो सब लोग किसी न किसी अकेडमी से एसोसिएट हैं? No, they are not. But I am representing Qatar, what I mean, in sense of
I am look after Qatar junior team, like Qatar national team of under 19, under 16. Hmm. I had a manager also. Still, I am working with them. So basically, these people we are getting from like inter-school cricket is going on. From there, we are taking. And those who is interested, like their parents and these, that they associate with the academies. Okay. Like there is a, you know, Qatar, there is a more than 6 or 7 academies is there. Hmm. Like oldest one is in Stallion is there. Orier is there. Bravo Academy. Barua Academy and some more academy is there. So we are just looking for, like, means what I mean, parents also, they are passionate to give their son to be the best. So we are collecting from there. कितना आपको लगता है कि अगर जैसे यहाँ पे क्रिकेट जो चल रही है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ, तो जो लोग एकेडमी से होते हैं वो कितना बेनिफिट करता है इस चीज को? डेफिनेटली देखिये, हु इज इंटरेस्टेड, लाइक ओनली स्कूल क्रिकेट इज नॉट एनफ. स्कूल में भी 200 पीपल हु इज प्लेइंग, हूएवर, मे बी 20-30 पीपल इज प्लेइंग. जस्ट स्कूल गेम इज ओवर, दे गो होम, फिनिश, दे फोकस ऑन देयर स्टडी. सम ऑफ द पेरेंट्स, दे लव टू हिज सन प्ले फॉर द कंट्री और प्ले बेटर क्रिकेट, दे ओनली गो टू द एकेडमी. तो हमको तो उधर से बच्चा चुनना है ना, जो एकेडमी में है, दे आर इन सम ऑब्जर्वेशन, कोचिंग ऑब्जर्वेशन. तो ऐसा बच्चों को ही हम प्रेफर करते चुनने के लिए कि फॉर द नेशनल टीम. ग्रेट, जबरदस्त. दे आर ऑल्सो हेल्पिंग, एकेडमी इज ऑल्सो हेल्पिंग अस. एंड आवर ऑल्सो वी हैव ए क्रिकेट एकेडमी, वी स्टार्टेड बिकॉज ऑफ कोविड, इट इज इन स्टॉप. होपफुली इंशाल्लाह अगेन विल our national academy, like every country they have their own national academy. क्योंकि पाकिस्तान में भी आपको पाकिस्तान नेशनल अकेडमी, बांग्लादेश में बांग्लादेश अकेडमी, श्रीलंका, इंडिया, सब जगह में है. Exactly. Wherever they are national play for the year. तो कतर we started actually last year. Because of COVID, suddenly it is in stop. मतलब जो आप लोगों को QAC को जो रिप्रेजेंट भी कर रही हो और जो आप लोगों को कोचिंग भी दे रही हो नेशनल लेवल पे एकेडमी, तो वो उसका होना जरूरी है. बिल्कुल, क्योंकि दोस प्लेयर ओनली कम टू द नेशनल टीम व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द एकेडमी. तो होप इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अगेन. इंशाल्लाह. अच्छा, अभी आपने मुझे बताया जब आए आप कि आपकी वाइफ सियालकोट से है, पाकिस्तान से है. जी, मेरा वाइफ पाकिस्तान से, सियालकोट से. अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त. तो ये कैसा हुआ था, यहाँ पे दोहा में ही शादी हुई है? दोहा में शादी हुआ. इवन दो मेरा, इट इज ओपनली आई कैन से, इट इज इन लव मैरिज. लव मैरिज, ओके, ग्रेट. थैंक्स टू हर, बिकॉज शी इज टेकिंग केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, शी गिवन मी एनफ टाइम टू गो अराउंड, डू दीज अदर एक्टिविटीज बाई ऑन एयर. थैंक यू मैम. सुन रही है इस वक्त? Definitely, maybe she's listening. Otherwise, I'll take a record from. Inshallah, definitely. तो ये कितना important, जैसे भी आपने कहा कि वो आपको सब कुछ करने दे रही, कितना important होता है wife का support करना husband को इस तरह की, especially जो sports में हो, जिसको इतना time देना होता. See, it is in आप भी मानेंगे इस बात से, क्योंकि मैं, मेरा बच्चों को education देना, even though school, college, जो भी, माशाल्लाह बच्चे grow up भी हुआ. It is in, say, almost, say, 80% her effort on that. Money is not enough. I earn the money, it is okay, fine. But physically, dekhna, bachcho ko leke jana, definitely her effort is there. So without her support, without family support, without my children's support, I could not be here today. Exactly. Thanks to them. Thanks to my community, actually, Bangladesh community. They are also helping me. I do some community job also. Like community football arrangement, community badminton. By 1 year, I am saying you, you have a badminton tournament on 25th, same day, on night. Okay. In Al Saad Alati Arena. Okay. There, our ambassador also will be there to prize distribution. Great. That means it is a huge event actually. Because of COVID, we are without a audience, only the, without a spectator, what I mean, only the players will be there. Okay. And cricket is my fashion. So cricket, everyone, all of my Bangladeshi fellow, they should come to watch the match. Exactly. Tumra shobai aso, 25 tarike shukrobare, Asian Town Stadium e cricket match ache, Bangladesh also participating. Tumra aso match dekho, shobai ke amontron roilo. मुझे कुछ कुछ समझ में आई है. मुझे आई है कुछ कुछ समझ में. ग्रेट, जबरदस्त, बहुत प्यारी लैंग्वेज है आपकी बंगला, और बड़ा मजा आता है सुनने में, तो अच्छा लगता है. अच्छा, तो ये जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का संगम जो हुआ हुआ है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान आना जाना होता है आप लोगों का?
देखिए, इवन दो माय वाइफ शी बॉर्न इन हेयर, उनको पता ही नहीं है कि 71 में क्या हुआ था, क्या वार हुआ था. उनको तो मालूम है कि उनका कंट्री यही है. हाँ. और बांग्लादेश पाकिस्तान ऐसे ही है. हाँ. बाद में जब बंटवारा हुआ उनको पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऐसा मतलब कभी गए पाकिस्तान जाना हुआ, उनका बांग्लादेश जाना हुआ. मेरा वाइफ शी वेंट मोर देन 29 टाइम्स. एवरी ईयर वी आर गोइंग ऑन आवर होम वेकेशन. ओके ग्रेट. तो आपका भी हुआ पाकिस्तान? मेरा एक ही दफा हुआ, बट देन ऑल्सो इट इज इन बाई ईयर ओनली. आई कुडंट गो, बट दिस टाइम आई वाज ट्राई टू गो, हो नहीं पाया. कोविड की वजह से भी हो नहीं पाया. प्लस बाई वन ईयर आई डोंट वॉन्ट टू से इट इज इन आई शुड नॉट से. आई विल टेल यू लेटर ऑन फॉर रीजन. ग्रेट. लेकिन मैं चाहूंगी बिल्कुल कि आप जरूर आए और मतलब आए पाकिस्तान देखें. पाकिस्तान के लोग बड़ा मोस्ट वेलकम करेंगे आपको. और क्योंकि पाकिस्तान में जितने लोग हैं, हम सभी लोग जितने भी पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया, हम लोग बहुत स्पोर्ट्स लवर हैं. क्रिकेट तो हमारे खून में बसती है. वी कैन सी इट हियर आल्सो. हियर वी कैन सी. हां, तो ये होता है कि हम हमेशा बड़ा मतलब वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम देते हैं. तो इंशाल्लाह ताला आपको जरूर वहां पे भी वेलकम करेंगे और आप जरूर आए. और ये जो मैच अभी होने वाला है इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि फुटबॉल मैचेस, बैडमिंटन, ये सब कुछ इंडोर गेम्स, माइंड गेम्स, यहाँ पे तो बहुत कुछ हो रहा है. लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है ना, तो एशियन जितनी कम्युनिटी है, जितने भी ममालिक हैं, सब कॉन्टिनेंट पीपल, दे आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट. अगर आप बाहर जाएंगे, इवन दो फ्राइडे और सैटरडे मॉर्निंग आप जस्ट शहर के लिए निकले, आपको स्ट्रीट में नॉट लेस देन 2000 पीपल मिलेंगे डिफरेंट कॉर्नर पे. रोड में क्रिकेट खेल रहे, वो भी सॉफ्ट बॉल क्रिकेट खेल रहे, बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर ग्राउंड टू प्ले हार्ड बॉल क्रिकेट. बट किधर भी आप जाएंगे, कोई कॉर्नर इन दोहा, आपको क्रिकेट मिलेंगे. वाकई बहुत ज्यादा पैशन है हम लोगों का इंशाल्लाह. तो हम लोग इस फ्राइडे को बहुत जबरदस्त मैच देखने वाले हैं आप सब लोगों के दरमियान. आई एम मोर एक्साइटेड देन यू, क्योंकि मैं टीम मैनेजर भी हूँ. तो हम ऐसा भी क्रिकेट क्रेजी है, तो हम चाह रहे हैं कि It should be a huge cricket this time. Inshallah. We pray for that to be inshallah successfully to be done. तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस टीम के साथ चाहते हैं कि बहुत जबरदस्त कांटे का मुकाबला? देखिए, अब मेरा टीम से 10 ओवर का मैच है. देखिए, मेरा ऐसा कोई ओपोनेंट नहीं है. Whoever. किसी के साथ भी आए, हम देखिए, हमारा काम है एंजॉयमेंट करना. हाँ. बाकी टीम जाएंगे जीतने के लिए, हम जाएंगे एंजॉयमेंट के लिए. अच्छा. जीत तो है, इट इज इन समवेयर इन द कॉर्नर, बट हम जाएंगे मोर देन द बैटल, विल गो फॉर द एंजॉयमेंट. लेट पीपल एंजॉय, माई प्लेयर एंजॉय. लेट देम स्टार्ट देयर बिगिनिंग. व्हाट इज द इंटरनेशनल मैचेस, लेट देम एंजॉय, प्ले देयर गेम. वंस यू एंजॉय द गेम, ऑटोमेटिकली रिजल्ट विल कम. असल तो चीज यही है ना कि खेल तो खेल है, और खेल तो होता है इंजॉयमेंट के लिए है. तो वो डेफिनेटली यही है, एंजॉय ऑन द ग्राउंड, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम. जबरदस्त. तो फिर हम एक जबरदस्ती मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत टक्कर का फाइट देने वाले हैं, जो भी है सामने. इवन इट इज इन श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ओके. तो सबके साथ ही जबरदस्त किस्म का हमारे लिए दुआ करें कि हम गिव देयर Fight. बिल्कुल, हमारी तो सबके साथ दुआ है. क्योंकि मजा जब कभी ऐसा होता है ना कि कोई गेम शुरू हुआ और पहले से पता चल जाए ये जीतने वाला है, मजा ही नहीं आता. मजा आता जब है जब टक्कर का मुकाबला होता है, जब जबरदस्त बराबरी का मुकाबला होता है. तो सबके लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक आपकी टीम के लिए. बांग्लादेशी टीम वैसे ही बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करी है इंटरनेशनली, और यहाँ पे जो लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट है और इस वक्त जो मैच होने जा रहा है नेशनल लेवल का, तो इसके लिए भी बहुत 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 मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं. बहुत बहुत थैंक यू टू 107 FM एंड थैंक यू टू आवर कतर क्रिकेट एसोसिएशन, आवर प्रेसिडेंट, आवर जनरल सेक्रेटरी, ऑल द बोर्ड मेंबर्स अलोंग विद माय फेलो कोलिग्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच अमीनुल इस्लाम साहब. इंशाल्लाह फिर आपको ग्राउंड पे मिलते हैं हम, और वैसे भी रहेगा आप मिलना जुलना इंशाल्लाह. थैंक यू. बाय बाय.